तो वैसे कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नया वीडियो के साथ हाजिर हुए जो चैनल पर नया है, और जो जरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग का सवाल है तो सैलरी पर एनम डॉलर 45,000.00, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन बाय हर 6% कितना होगा। इससे हम 6% को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेटर से मैं करता हूँ, तो इसके वैल्यू देखते हैं डॉलर में क्या आएगी। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2700 डॉलर में, ठीक है, 0.00। अच्छा, ये 1, 2, 3 कंट्रीब्यूशन बाय हर एम्प्लॉय थ्री परसेंट। अच्छा, इसका क्या करेंगे हम, 3% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 3% है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा डॉलर में। तो हम कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर आ रहा है 1350.00, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। अब टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए हम जो कंट्रीब्यूशन उसने करी है और उसके एम्प्लॉय ने की, हम दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 4050.00 टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर फोर्टी, सही है। अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट 63। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। जैसे टोटल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे टाइम से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर डॉलर 1620
कॉमन 0.00.00, ठीक है। हेंस हेंस हर एरर वर्थ एट 63 विल बी डॉलर 162,000 सेंस टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन सो वर्थ इज कंप्यूट नॉर्मली। होप टुडे वीडियो यू लाइक। इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक यहाँ है। बाय।